94 77 0 294 ये तो इसकी बोल्ट जाम है ना। अच्छा, इसकी बोल्ट ही जाम है, ये चल ही नहीं सकती। अच्छा, ये फायर ही नहीं हुई, वो तो बैलिस्टिक में आ जाएगी। घायल तो कई लोग, यही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए पाल से चालू किया था। पाल के कई लोग घायल हो, हमारे पास है नाम लिखा हुआ सब। भैया भैया चला जाएंगे ना। जो कत्ल हुआ है वो उसे छीन करके मार दिया, छीन के अलग पाठक में तंदना भी चला रही होगी ना। अब ये वही चीजें हैं कि मतलब अब सुबह से 11 बजे से हम लोग को भी जितना समय मिला इतना ही मिला है। हो मतलब अच्छा, तिवारी तिवारी हैं, मैं नहीं कह सकता। मुकेश उठना काम वाले बता रहे हैं, हम तो यही कहना चाहते हैं कि उन्होंने बताया मुश्किली वही है, मुश्किली मीन्स वही है। भैया रुक जाइए, सारे सवालों का जवाब मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं होती है कि आप किसी साथ बता रहे क्या कांड अभी दोपहर में हुआ था कल्लू तिवारी का, इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या वजह थी घटना के पीछे और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, आज सुबह करीब 9:30 बजे थाना लालापुर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि ग्राम नगरवार में कुछ लोगों के बीच में मारपीट हो रही है, जो एक ही गाँव के रहने वाले हैं और जिनके खेत अगल बगल हैं। यहाँ सिंचाई की पानी का ओवरफ्लो हो जाने के कारण से इन लोगों में विवाद चालू हुआ और इसी विवाद के जब ये विवाद बढ़ने लगा तो एक पक्ष जो सुदामा पाल और मुन्ना लाल पाल हैं, इनकी तरफ से गांव के ही रहने वाले श्री मुकेश तिवारी वो इनके बचाव में आए और वो अपने साथ अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर के आए थे और जो इसमें अन्य लोग भी उनके साथ में आने लगे क्योंकि वो उनकी तरफ से काफ़ी लोग घायल हो गए थे जो पाल पक्ष के लोग हैं। तो इनके घर के ही पास रहने वाले ग्राम बीरवल के एक अमित उर्फ कल्लू तिवारी वो भी घटनास्थल पर पहुँचे। उन्हें देखते ही अरुण पाठक और उनके अन्य साथी उत्तेजित हो गए और मौके पर मौजूद मुकेश तिवारी से उनकी लाइसेंसी असलहे को छीन करके उन्होंने फायरिंग कर दी जिसमें अमित तिवारी घायल हो गए। तत्काल उन्हें SRN अस्पताल भेजा गया जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस पूरे घटनास्थल में घटनाक्रम में थाना लालापुर एवं फॉरेंसिक टीम यूनिट द्वारा वहाँ पर घटनास्थल निरीक्षण किया गया तथा तत्काल इसी सूचना पर अभियुक्तों के घर पर दबिश दे करके दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से जो लाइसेंसी बंदूक छीन करके जिससे हमला किया गया था उनके कब्जे से वो भी बरामद कर लिया गया। कितने लोग इस पूरे मामले में घायल हैं और जो मृतक है वो ये बताया जा रहा है कि पूर्व में एक हत्या हुई थी SO की, उस हत्याकांड का वो आरोपी भी रहा है? देखिए, इसमें जो कुल मजरूब हैं वो 7 लोग हैं और जिन्हें मेडिकल के लिए रवाना कर दिया गया है और इसमें पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर 6 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो मृतक हैं उनके सोशल मीडिया में और अन्य जगहों से हम लोग को कुछ क्रेडेंशियल्स मिले हैं, उन्हें वेरीफाई किया जा रहा है, बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा।